गया, चल गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी टाइम 6:10 के आसपास हो रहा है और हम लोग तो उठ चुके हैं। रोहित भाई यहाँ पे हैं और हमारे आशीष भाई बाथरूम गए हैं और हम लोग का हाल तो कुछ फिलहाल इस तरीके का है। सो के उठे, अभी डायरेक्टली फ्रेश होंगे और कुछ करना वरना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग तो निकल जाएंगे। अभी ट्रैफिक भी कम रहेगा वरना फिर डस्ट खाते खाते हम लोग को घर जाना पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। तो अभी आशीष भाई बाथरूम गए, फिर हम जाएंगे, फिर रोहित भाई जाएंगे। पहले हम जाएंगे फिर तुम जाएगा। ब्रश नहीं मिलने के कारण अभी तो देसी जुगाड़ हम लोग का दातुन। ये 200 किलो का बाथरूम से आ गई है कि ये हम लोग का से हो रहा है, ये हम लोग का चाय। ग्लासेस भाई सस्ते नशे करते हैं यहाँ पे, सस्ते नशे लाल। अरे गरम करके लाए हैं, तो चलो निकलते हैं इधर का। भगवान, हम लोग डायरेक्टली अभी तो निकलेंगे और अभी शायद कहीं रुकना उकना तो है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। चौक जो कि बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है और मतलब बहुत ही तेजी से चल रहा है। सिनेमेटिक शॉट वगैरह में तो आपको थोड़ा दिक्कत देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल तो वेद व्यास के व्यास टाउन टावर जो है वहीं पे पहुंच चुके हैं। थोड़ा देर ऐसे ही रुके हैं यहाँ पे, इतना डस्ट उड़ रहा है कि क्या बोले। रोहित भाई को हेलमेट दे चुके हैं और डायरेक्टली हम लोग निकल रहे हैं और बस लोग भी धीरे धीरे तो जा ही रहे हैं। इन लोग के पीछे जाएंगे तो हम लोग काला हो जाएंगे। लेकिन हमारे रोहित भाई फिलहाल मेहनत करते हुए जल्दी आ। तिरंगी समा है, तिरंगी फिजा है, क्यों है ना बोलना। तिरंगी समा है, तिरंगी फिजा है, क्यों है ना बोलना। हमारे मूत्र विसर्जन भैया आते हुए हमारा तो पूरा बम्बे दर्द करने लग गया। शरीर में दर्द हो रहा है।
अभी तो आराम से थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो वहाँ पर तो सो के ही आए थे, लेकिन वहाँ पर सोने का और घर के सोने का बात कुछ अलग है। और अच्छी तरीके से नींद नहीं होने से तो मेरा पूरा पिंपल विंपल निकल गया है यहाँ पे, एक दो टा पूरा होता ही है। अभी इसको रिकवरी होने में लगेगा 1 वीक के आसपास। बेटा जी, बेटा जी, बाबू, दादी, अंदर जाओ ना तुम, हम नहा के आते हैं। जा, कहाँ चाहिए? तो मेरा खाना भी आ चुका है, दाल है और बाकी सारे सब्जियां वगैरह तो आ रही है धीरे धीरे। तो सब्जी आ गई। इसी के साथ हमारे बाबू का बैकग्राउंड म्यूजिक। बंदरू आम नहीं खाएगा? आम बोली, आम आम पता नहीं, मेरे को तो तभी से इतना ज्यादा नींद लग रहा है, पता नहीं क्यों। तभी भी 2 घंटे के आसपास सो गए हैं, अभी भी 2 घंटे के आसपास सो गए हैं। और सोचे कि चलो बाबू के साथ हम लोग खेलते हैं, वरना ऐसे ही हाल में मजा नहीं आ रहा था। दो मेरे को, दो दो मेरे को, जल्दी दो दो। घर में हम लोग रह रहे के बोर हो चुके थे, अब बाबू के साथ अभी फिलहाल हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। ऐसे नॉर्मली वहाँ से चल लुल के आ जाएंगे। यहाँ पे बंदरू मेरा गोदी में आ गया, इतना वजन है, मेरे को अजीब लग जा रहा है। क्या खाता है बेटवा तुम? क्या खाता है? क्या खाता है? ए खाता है। हम लोग तो घर आ गए, ज़्यादा ऐसे घूमे नहीं, दुकान गए, बस खाए पिए, ऐसे ही चल के आ गए फिर। और मैं तो अभी जा रहा हूँ ब्लॉग को एडिट करने के लिए। आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय।